बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा बयान सामने आया। जी हिंदुस्तान के साथ बातचीत में मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं। रोड शो से थकान होती है लेकिन मिशन में लगातार मैं लगा हुआ हूं। किस तरीके से ताबड़तोड़ रोड शो कर रहे हैं मिथुन दा, ये किसी से छिपा नहीं है, उसमें अच्छा खासा जनसमर्थन देखने को मिल रहा है। और अब उन रोड शो को लेकर कह रहे हैं कि थकान होती है लेकिन मैं मिशन पर लगा हुआ। सुनिए, कैसा रहा रोड शो पूरा, कैसा रहा? ये कैसे पूछते हो आप लोग, कैसा लगा देख रहे हो? कैसा लगा नहीं, कैसा रहा सारा? डबल स्टार अटैक था आज तो। वेरी गुड, टेरिफिक, ही शी इज गोइंग टू विन बिग वे। आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं, ज्यादा थकान? थकान थोड़ा सा कल हो रहा था हीट से, लेकिन हमको एक ही काम दिया सर ने कि मेरा संदेश पहुंचा दो, मैं वही कर रहा। अभी अभी क्या लग रहा है, दीदी शायद दूसरी जगह से भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है नंदीग्राम के? मैं पर्सनल कमेंट नहीं कर सकता, सॉरी। बोलिए, ये भीड़ देख के मैं क्या चाहूंगा, विमान जीतेगा और कौन जीतेगा? जिस तरह से एक बार परिवर्तन का इस बार कर रहा है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन होगा, ये सब झूठ था। अगर परिवर्तन किस लिए मांगे थे हम, क्या हम किसी को मारेंगे नहीं, किसी की इलेक्ट्रिसिटी नहीं काटेंगे, पानी नहीं काटेंगे, गांव से हटाएंगे नहीं? अब वही काम आप कर रहे हो, कहेगा परिवर्तन? परिवर्तन आप होगा ना, कोई राइट्स होगा, ना संतराज होगा, ना हिंसा होगा, ये बीजेपी का मोटो है। 84% जब वोटिंग होती है कि मतलब जाओ बाय बाय। तो जो काम दिया गया मिथुन चक्रवर्ती को, उसी काम को वो आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल अगली खबर के लिए हम सीधा रुख कर लेते हैं ब्रेकिंग सेंटर का। मेरे सहयोगी लवीना मौजूद है वहां पर। लवीना, क्या बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में ममता दीदी 3T यानी कि 3T मॉडल पर काम करती है, और जिसमें 3T का मतलब उन्होंने बताया तानाशाही, तोलाबाजी, तुष्टीकरण शामिल है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जबकि मोदी सरकार 3V मॉडल पर काम करती है जिसमें विकास, विश्वास और व्यापार का मंत्र है। तो अमित शाह ने बड़ा हमला बोला है ममता दीदी पर, 3T पर काम करती है, ये अमित शाह की ओर से कहा गया। और साथ ही कहा कि मोदी सरकार, बीजेपी सरकार 3V पर काम करती है। ये दीदी जो है ये 3T मॉडल पर सरकार चला रही है, 3T मॉडल पर। इसके 3T क्या है? एक है तानाशाही, दूसरा है टोलाबाजी और तीसरा है तुष्टीकरण। ये 3T पर सरकार चलाती है और मोदी जी 3V पर चलाते हैं। पहला है विकास, दूसरा है विश्वास और तीसरा है व्यापार। ये 3V के आधार पर हम बंगाल का विकास करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, 2 मई के बाद कोई कट मनी नहीं होगा, कट मनी करने वाले जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, उसको भी हम खत्म कर देंगे। मित्रों, मैं पूरे उत्तर बंगाल के लोगों को कहने आया हूं कि सबसे बड़ी समस्या आपकी घुसपैठ है, घुसपैठ। और हमने तय किया है कि सरकार बनते ही BSF के पास बैठकर, साथ बैठकर पूरी घुसपैठ को 100% रोकने का काम करेंगे, 100% रोकने। मेरी बात याद रखिए, 60 में से 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। दीदी, आपका जाने का समय आ चुका है, अब आप बच नहीं सकती है। दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार रही है। मित्रों, दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव। दीदी के मन में आप लोगों की चिंता नहीं है, दीदी के मन में भतीजे की चिंता है, भतीजे की। वो अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती। दीदी भतीजा कल्याण में विश्वास करती है और मोदी जी उत्तर बंगाल के कल्याण में विश्वास करते हैं। भाई, कल दीदी नंदीग्राम में तय हो गया है कि नंदीग्राम में दीदी चुनाव
हार रही है। बाद में उनके एडवाइजर गए कि दीदी कहां से लड़ोगी, उन्होंने कहा उत्तर बंगाल के अलावे कहां से भी लड़ा दो, उत्तर बंगाल वाले मुझे नहीं जिताने वाले हैं। मित्रों, मैं यहां पर आया हूं तब मैं आपको कहने आया हूं कि उत्तर बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा हुई है, आप एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, एक बार नरेंद्र मोदी जी को मौका दो, उत्तर बंगाल से ये राजनीतिक हिंसा को हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी। मित्रों, समाप्त। उस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल चुनाव में तैनात सुरक्षा बलों पर दीदी ने बड़ा आरोप लगाया। ये शब्द, ये वाक्य ममता बनर्जी का है। बीजेपी को वोट देने की अपील, बंद करें सुरक्षा बल, शाह के सुरक्षा बलों का मुकाबला करेंगी बंगाल की मां बहनें, ये ममता बनर्जी आज कहती नजर आई। बेटी सब तांडव कर, मैं रिक्वेस्ट करने चाहूंगी कि देखो सीआरपीएफ का जवान हो और बीएसएफ का हो, चाहे एसएसबी का हो, चाहे आईटीबीटी का हो, चाहे बंगाल का हो, आप लोग को हम लोग इज्जत करते हैं, लेकिन बीजेपी का नाम पे वोट दो कह के आप गांव गांव में बीजेपी को लड़का लोगों को लेके आप अत्याचार बंद कीजिए। अगर आप अत्याचार करेगा तो माँ बहनों आपको खिलाफ में लड़ेगा। उधर बड़ी खबर यह कि बीजेपी प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। ममता राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये कह रही है लॉकेट चटर्जी। ममता दीदी ने बंगाल की बेटी के साथ गद्दारी की है। लॉकेट चटर्जी की तरफ से बड़ा बयान, नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार होगी, नंदीग्राम में हार के डर से दूसरी सीट ममता बनर्जी खोज रही है। ये तमाम बातें लॉकेट चटर्जी ने कही। मैं बंगाल में हूं और इस वक्त मैं चुनचुरा विधानसभा सीट पर हूं। हमारे साथ हैं यहां की एमपी और बीजेपी के उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी। लॉकेट जी, किस बात को लेकर एजिटेशन? देखिए, बंगाल में जो बेटी का जो अत्याचार हो रहा है, 80 साल का जब महिला के ऊपर इतना अत्याचार किया टीएमसी गुंडा ने, उसका डेथ भी हो गया है। सब बोल रहे हैं ममता बनर्जी बांग्लार में के चाहिए, हम लोग बंगाल का बेटी को विचार चाहिए। घर घर में बंगाल में माँ दुर्गा है, माँ काली है, क्या कोई बंगाल का बेटी नहीं है? सिर्फ ममता बनर्जी अकेला है बंगाल की बेटी, हम सब लोग बंगाल के बेटी है, हम लोग को विचार चाहिए। इतना दिन बंगाल में इतना नारी का ऊपर अत्याचार हुआ, हम लोग विचार चाहिए। अच्छा, ममता दीदी कहती हो तो खुद बंगाल की बेटी को कहते हैं, बीजेपी यूपी को देख लो, दूसरे स्टेट को देख लो, क्या ममता बनर्जी को खुद इधर देखना पड़ेगा पहले, क्योंकि ममता बनर्जी इधर का मुख्यमंत्री है, यूपी में अलग जोगी जी है, वो देख रहा है, उनके वोट से जोगी जी मुख्यमंत्री हुआ है, लेकिन बंगाल में यूपी के वोट से उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं हुआ। तो बंगाल को सबसे पहले देखना चाहिए, उसके बाद यूपी, बिहार, राजस्थान सब देखना चाहिए। पॉलिटिकल वायलेंस कितना बड़ा इशू बना, बहुत बड़ा इशू है, हो गया है बंगाल के महिला के लिए। तो अभी बहुत बड़ा ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये बंगाल का बेटी जवाब देंगे, बंगाल में घर घर में जो बेटी। अच्छा दीदी, जब कहती है कि एक बार केंद्रीय बल को यहाँ पर जाने दो, फिर मैं देख लूंगी कि आगे क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा दीदी। हार जाएगी नंदीग्राम में, कल बहुत ऐतिहासिक बात हुआ कि इतना दिन बीजेपी को एजेंट को कोई उधर बैठने से नहीं देता था, लेकिन टीएमसी का एजेंट वो बैठने नहीं चाहता है। तो ये बड़ा हिस्ट्री हो गया कि टीएमसी का खुद एजेंट नहीं चाहता है कि टीएमसी सरकार जीते। लोगों का आरोप लगाया कि हमें बीजेपी के एजेंट वालों ने भगा दिया हमें, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। ये पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छा लोग होता है, बहुत जो शांत लोग होता है, सब लोग शांत है, लेकिन ममता बनर्जी इतना दिन संतास चलाया, राज चलाया, जो संतास बात चलाया इस टाइम में केंद्रीय वाहिनी टीएमसी छोड़कर आए, ममता दीदी लगातार उन पर अटैकिंग है, कहती है सारे के सारे गद्दार और मिर्जापुर है। देखिए, ममता बनर्जी जिसके साथ इतना, पूरा बंगाल के साथ, बंगाल के बेटी के साथ जो गद्दारी किया है, इसलिए बंगाल के बेटी जवाब देंगे। दूसरे सीट से भी चुनाव लड़ेगी बीजेपी कह रही है। देखिए, ममता बनर्जी तो खुद जान गए, उसका मान सम्मान का व्यापार है, अगर वो अभी नंदीग्राम से हार रहा है, अब दूसरा कुछ सीट वो चुनेगा, मुरारी चुनेगा और मुर्शिदाबाद में कोई सीट चुनेगा, तो सब लोग समझ में आ जाएगा कि ममता बनर्जी हार रहे हैं, इसलिए दूसरा कोई सीट उसको प्लानिंग कर रहा है। तो ये है हुगली की सांसद और यहाँ से चुनचुरा विधानसभा सीट के बीजेपी के उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी, जिन्होंने महिला सुरक्षा के मसले को उठाया। उनका कहना है कि भले दीदी खुद को बंगाल की बेटी कहती है, लेकिन यहाँ पर बंगाल में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं है, और ये एक बड़ा मसला। उनका कहना है कि दीदी की हार यानी कि टीएमसी की हार इस बार यहां से तय है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रत्युष खरे, चुचुरा, जी मीडिया।